अष्ट सहस्री ग्रंथ में प्राग भाव पर विचार करने वाले चरवाक न्यायिक इनके अंदर क्या विषय चल रहा है उसको समझा रहे हैं। अरे यार समय पे वो अंदर बार के बंद करके बाहर का बंद कर दो पूरा शक्ली लगा दो। अब दस मिनट शांति सुनो, कल से बोल इनको आना जाओ समय पे आ जाए। अरे यार आप सोच नहीं जाते ना, तुम्हें काम सौंप रहे, तुम्हें पहले से प्रमोद को अपने आप को सबको यहाँ बैठा लेना। बाहर क्यों नहीं लगा रहे हेतु पूछो ना, कीड़े आते हैं। प्रतिगण बाहर ही होगा। अरे यार तुम बुला लो निको। अहिंसा को तो कोई बात नहीं करना है, पूर्ण अभाव तुच्छा भाव मानता है न्यायिक दर्शन। बुद्ध का तुच्छाभाव, इनके अभाव में अंतर है। बोध द्रव्य की द्रव्यता का अभाव मानता है, एक गुड़गुड़ी में परस्पर में अभाव मानते हैं। और न्यायिक वैशेषिक युद्ध सिद्ध मानता है, युद्ध सिद्ध यानी गुड़गुड़ी पूर्ण भिन्न समवायिकरण से कार्य होता है। तो समवायिकरण से कार्य मानते हैं तो प्राग भाव को भी वो वस्तु से भिन्न देख रहे हैं, उपचार लगा रहे हैं। तो उपचारवाक कह रहा है ये आपका कथन अयुक्त है, तदप्य अयुक्तम परमार्थतः परमार्थ से प्राग भावादिनाम शंकर प्रसंगात प्राहादि के परस्पर संकर दोष आ जाएगा। सच ही उपचार में एतद भावना परस्पर भावानाम वितरेका, यदि आप उपचार से भाव को मानते हो तो परस्पर भावानाम वितरेका परस्पर भाव में वितरेक हो जाएगा। क्या हो गया? इतरेतर भाव सिद्धेत, इतरेतर भाव की सिद्धि होती है। सर्वत्र संपूर्ण जगह मुख्याभाव परिवर्तन परिकल्पना, मुख्य अभाव की परिकल्पना अनर्थकम प्रसंगात। आपने जो कहा ना मुख्य अभाव, पूर्व का ध्यान रखना, आपने नैयायिक बोला कि मुख्य का अभाव है, वस्तु का सद्भाव नहीं है, मुख्य का अभाव है, पृथ्वी का सद्भाव है। अस्मन् भूतले घटम नास्ति, इस भूतल पर घट नहीं है ऐसा आप कह रहे हो, तो आपने मुख्य का अभाव किया और किसी को गुण रखा है। मुख्य का अभाव किया है, पृथ्वी को मान रहे हो, तो पृथ्वी को मार रहे हो, भूमि को मार रहे हो, घट का अभाव देख रहे हो ना। मतलब द्रव को देखते हो, पर्याय को भिन्न देख रहे हो, द्रव को देखते हो पर्याय को भिन्न देख रहे हो। स्यात् गुण भी पर्याय है, गुण भी गुणार्थक कोई नए नहीं है, गुणार्थिक नए नहीं है, पर्यार्थिक नए है, दो ही नए हैं द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक। तो गुड़ को कहाँ रखा जाए?
पर्यार्थिक में, तो जो सहभावी पर्याय है उसका नाम गुण है, क्रमभावी जो पर्याय है उसका नाम क्या दोगे आप? जो क्रमभावी है वो पर्याय है, जो सहभावी पर्याय है वो गुण है, क्रम से हो रही है वो मात पर्याय है। अब सुनिए, गुण पर्याय और द्रव पर्याय, तो द्रव व्यंजन पर्याय और गुण व्यंजन पर्याय, ऐसा शब्द का प्रयोग करो आप, गुण व्यंजन पर्याय और द्रव व्यंजन पर्याय। तो द्रव गुण व्यंजन पर्याय है वो सहभावी है, गुण व्यंजन पर्याय वो सहभावी है, और द्रव व्यंजन पर्याय वो क्रमभावी है। द्रव व्यंजन पर्याय क्रमभावी है और गुण व्यंजन पर्याय सहभावी है, कुछ कहना है इसमें? कुछ नहीं कहो। जो क्रमभावी है द्रव व्यंजन पर्याय, क्रमभावनो परिणामा पर्याय, जो क्रमभावी परिणाम है उसका नाम पर्याय है, वो कौन सी पर्याय है? द्रव व्यंजन पर्याय है। और सैभव गुणा, जो गुण है वो सहभावी है, तो गुणों में जो परिवर्तन होता कि नहीं? गुणों में परिवर्तन नहीं मानेंगे आप, तो फिर आपका केवल ज्ञान नहीं बन सकता और खट्टे मीठे पदार्थ नहीं बन सकते, आम कभी पक ही नहीं सकता, आम कभी पक ही नहीं सकता, पपीता पक ही नहीं सकता, टमाटर पक ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये रस रसांतर वर्णांतर द्रव द्रव्यांतर नहीं, रस रसांतर, गुणगुणांतर, गंधगंधांतर, रस रसांतर, ठीक है ना। द्रव द्रव्यांतर की बात करो तो अत्यंत भाव में चला जाएगा। आइए अब जो गुण जैसे अपने में ही रहेंगे, कोई भी गुण रस रसांतर नहीं होगा, गंध गंधांतर नहीं होगा, रस रसांतर नहीं होगा, गंध गंधांतर नहीं होगा, रस रसांतर, गंध गंधांतर, गंध गंध रूप में गंधांतर होगा, रस रस रूप में रसांतर होगा, अन्य गंध अन्य गुण रूप नहीं होगा, समझ रहे ना। अरे इधर देखो, गंध गंधांतर तो होगा, पर्याय पर्यांतर तो होगा, रस रसांतर तो होगा, पर गंध पर्यान रसांतर नहीं होगा, रस गंधांतर नहीं होगा, वर्ण रसांतर नहीं होगा। यदि ऐसा कर देंगे तो एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाएगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ठीक है। इनमें इतरेतर भाव है, अन्योन्य भाव है, आप सुनिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, या आप पहले परिभाषा लगे अत्यंत अभाव की, एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव अत्यंत अभाव है, ये प्रवचन सार में लिखा है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव अत्यंत अभाव। लेकिन इस पर स्रस गंध वर्ण एक ही द्रव्य के धर्म है, इसलिए अत्यंत अभाव नहीं लगाएंगे आप, अन्य द्रव्य रूप नहीं है। पहले समझ मित्र, अन्य रूप नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप जो समझ, आप जो कह रहे मैं समझ चुका हूँ, मैं कह रहा हूँ उसे समझ रहे हैं क्या आप? ऐसा पूछना पड़ता आपसे। सुनिए अब, तो पहला तो प्रश्न है अत्यंत अभाव द्रव्य में लगता है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में। अब चलिए, रस रस स्पर्श गंध वर्ण चार धर्म है, ये चारों धर्म एक द्रव्य में है, एक द्रव्य में अत्यंत भिन्न दिखने पर भी अत्यंत अभाव नहीं, इनमें दोनों का सभी का अधिकरण एक है। सभी का अधिकरण एक है, वहां अलग अलग अधिकरण है, ऐसा बोलना पड़ेगा बेटा। जाली रूप हो सकता है, जाली वाले तो इनमें अन्योन्य
भैया समझ, कोई भी परमाणु पर परमाणु भूत नहीं होगा, द्विसंयोगी परमाणु बढ़ेंगे, त्रिसंयोगी परमाणु बढ़ेंगे, महास्कंद बन जाएंगे, लेकिन एक रूप नहीं होंगे। हाँ, एक जैसे हो जाएंगे, एक नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो तुम सब एक साथ बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। इधर देख भाई, स्कंद पर्याय को दुणक स्कंद बन गया, तुणक स्कंद बन गया। अब दुणक शब्द बना हुआ है, इसका मतलब है परमाणु स्वतंत्र हैं। अब पुणे आइए, मैं आपको पुणे ले जाता हूँ। ये ऐसे यही तो रहस्यमय आपको ग्रंथ समझना है। अब आपको बोलना पड़ेगा, अन्नोनम बहुसंता दिनता होगा मन मन से मेलनता रिचम सगम स्वाण भिजंती। ये सूत्र आपको लगा के चलना पड़ेगा। जीव पुद्गल के लिए नहीं है मात्र, पुद्गल पुद्गल में भी लगेगा और जीव पुद्गल में भी लगेगा। महात्मा जी, अरे वही तो तुम्हारा प्रश्न उत्तर मिलेगा। जब शख्स वाणु विजयंती, पहले तो निर्णय करो परमाणु परमाणु में अन्योन्य भाव नहीं है, परमाणु परमाणु में तिन्ता भाव है। जैसे जीव जीव में तिन्ता भाव है, कोई जीव अन्य जीव रूप हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, दो नहीं होंगे ना। ऐसे एक परमाणु दूसरे परमाणु नहीं होगा, स्कंद बन सकते मिल करके। तो वो स्कंद पर्याय है, तो पर्याय पर्याय तो मिश्रण हो जाती है, लेकिन द्रव द्रव रूप एक रूप नहीं होता। ये जितना ये भवन बना एक द्रव बन गया, ऐसा आप बोलोगे, ये द्रव नहीं बना, एक पर्याय बनी है। इसके परमाणु तो फिर भी स्वतंत्र ही है। ये जब कथन आप कर रहे हो, तब पंचायत की गाता बोलेगी, अन्नोनम पवसंता दिनता होगा मन मनंतर मेलंतर चम सगम सवर्ण विजंती। अब जो पंचायत की आएगा, जिसको अध्ययन गंभीर हो चुका है, वो प्रवचन सार पढ़ना चाहिए। प्रवचन सार में कहेंगे वो पुद्गल पुद्गल में भी तत् अतत है, ठीक है। जो पुद्गल द्रव्य है, पहले पुद्गल द्रव्य की प्रवाह समझो, जो शुद्ध परमाणु है वही पुद्गल द्रव्य है, जो शुद्ध पुद्गल परमाणु है वही पुद्गल द्रव्य है, ठीक है ना। वो अपने आप में सभी अन्य से अतत है, सबसे अतत है, अतत है, अतत है, अतत था, अतत रहेगा, त्रिकालिक। उसके अनेक स्कंद बनने पर भी, कितने भवन हमने अपने जीवन में बनते देखे, कितने मिटते देखे। भोपाल में पूरी कॉलोनी शासन ने ऐसे जमीन मिला दी, और फिर उन्हें पुनः उसके ऊपर बड़े बड़े भवन बना दिए। ये जो यहाँ मकान बना है, यहाँ पहले मकान बन चुके हैं, ठीक है। कच्चे मकान मैंने मिटते देखे, पक्के उठते देखे, फिर पक्के भी मिटते देखे, ठीक है। परमाणु तो परमाणु रहेंगे, ऐसा बोलिए। ये पर्याय लकड़ी पर्याय हो सकती कि नहीं? हो जाएगी। हो जाएंगे, हाँ। परमाणु परमाणु भाई, ये जो पर्याय है ना, ये पर्याय इधर देखो, मेरी तरफ देख। तुम परमाणु को इधर मेरी तरफ देखो, आप तो कोई बोलो ही मत। मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरे से बात करो आप। मैं जीव हूँ, इसमें मनुष्य हूँ। मैं देव की पर्याय में जाऊँगा तो देव पर्याय में जाऊँगा, आपको पर्याय अलग दिखेगी, पर मनुष्य में नहीं बदलूँगा। मैं मनुष्य बदल जाऊँगा, जीव द्रव्य नहीं बदलूँगा। अरे यार कहाँ भटकता भाई तू, पुणे देखो मित्र, सुनो सुनो, सम्मत बोलो। मैं मनुष्य हूं ना, ठीक। मैं मर गया, बोले हो। देव हो गए, हो। तो देव पर्याय की प्रत्याशक्ति से मेरी अवस्था में ऐसी होंगी देव ऐसी, लेकिन जीव द्रव्य बहुत बढ़िया बदल लें, वो पर्याय है असमान जाति। ऐसे परमाणु में असमान जाति पर्याय भी होती है।
पुद्गल में असमान जाति पर्याय होती है, दो ही द्रव्य में असमान जाति पर्याय होती है, जीव पुद्गल में, ठीक है ना। असमान जाति, असमान जाति, असमान जाति, प्रवचन सारण पढ़िए, प्रवचन सारण। असमान जाति पुद्गल में भी होती है। आइए, उन्होंने गिनाया है कि 16 धागे वाला, 8 धागे वाला, ऐसे वस्त्र का उदाहरण दिया प्रवचन सार जी में, ठीक है। ताने बाने, अब देखो बार बार दृष्टांतों में जाओ, समय जा रहा हमारा, बस ठहरना भाई। ये पर्याय हैं, इनमें परस्पर में अनुन्य भाव है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आंखों के सामने दिखा दूँ, टेंशन कर रहा है। इधर देख मेरी तरफ, अरे मानो मत, तुम तो देख लो मेरी तरफ। कल आप सोच गए थे, 3 दिन बाद देखने गए, मिट्टी का ढेर मिला, मानते हो। फिर एक लकड़ी पड़ी थी वहाँ पर, कुछ दिन बाद मिट्टी का ढेर मिला। आगे चलिए, पथरीले इलाकों में जो मिट्टियाँ, जो मिट्टी, ये लकड़ियाँ जमीन में चली गई, वे पत्थर के रूप बदल गई। जहाँ की भूमि में कोयला, तो कोयले रूप बदल गई। पर परमाणु का नाश नहीं हुआ, अत्यंत ही भाव है। आओ फिर आगे चलते, सिद्धों में चलिए आप, सब अपन सिद्ध बन गए एक साथ, एक दो तुरंत मिल गए, अत्यंत भाव है, अत्यंत भाव है, ऐसा समझना पड़ेगा। बस अब सीमा पार हो चुकी समय की। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर तुम कहाँ भटक जाते एकदम। अरे यार, तू स्पर्श को पर्याय क्यों बोलता, गुड़ बोल। हाँ, गुड़ की तो पर्याय, गुड़ का विकार हो रहा है, वो पर्याय है। बस तो जो उसके, उसका कभी ऐसा विकार आएगा कि वो वर्ण रूप हो, उसकी में ऐसी कभी कोई पर्याय आएगी कि जो वर्ण रूप होगा, स्पर्श रूप ही रहेगा, गंध गंध रूप रहेगा, गुड़ गुड़ रूप, रस रसांतर तो होंगे, अन्य रस रूप होगा, लेकिन रस स्पर्श नहीं बनेगा ऐसा। क्या जब वो एक दूसरे रूप नहीं होंगे तो उनमें निम्न भाव क्यों मानेंगे? इसलिए मान रहे हैं, वे पुनः एक रूप तद्रूप, जो पर्याय ना, पर्याय ना, पर्याय, उस पर्याय में विकार होंगे, इसलिए एक रूप हो जाएंगे। एक रूप कैसे होंगे? स्पर्श का गंधांतर थोड़ी होगा। क्या स्पर्श का गंधांतर नहीं होगा? बाप रे, तो क्या परिभाषा बोलो जल्दी। अरे सुन भाई, तुम फिर एक नई बात लेके आ गए हो। सुन, आप वहाँ से बोलो, अपनी मानसा से, अन्य वो यदि हम अत्रा भाव का भाव कर देंगे तो वस्तु एकात्मक हो जाएगी, शुरुआत में समझ रहे हैं। अरे यार, एक एक सुनने दो, एकात्मक हो जाएगी। अब एकात्मक हो जाएगी तो हम भेद नहीं कर पाएंगे, ये 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 है, तो हमको इत्रत्र भाव बनाना पड़ेगा, पुद्गल में बनाना पड़ेगा। यदि नहीं बनाएंगे ना तो हम पर रस रसा अंगूर से हो जाएगा, सेव अंगूर हो जाएगा, अंतर है। अब अंतर है, स्वाव स्वाव अंतर है। अब पुनः सुनो ना भाई, अब इसके साथ साथ
जो गन्ने का जो रस है, अंगूर का रस है, वो रस को यहाँ ग्रहण मत कीजिए आप। पहले तो दिमाग लगाइए आप, वो रस नहीं लेना अभी। इसमें भी इस पर रसगंध बन है। स्वाद लेना, स्वाद रस का अर्थ लेना स्वाद। तो इसमें स्वाद है, चखो नहीं तो तोड़ के देख लो, स्वाद मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो स्वाद है, उस स्वाद जो है, तो जो पुद्गल परमाणु है, परमाणु परमाणु होने पर भी, स्वतंत्र होने पर भी परमाणु में विकार होता है, तभी तो स्कंद बनेंगे। जब विकार होता है तो स्वाद बदलता है, परंतु स्वाद कैसे बदलता है, इस पर स्पर्श रूप बदलेगा, रस रस रूप बदलेगा, गंध गंध रूप बदलेगा। अब तुम क्या करना चाहते हो, इस पर को रस बनाना चाह रहे, रस को ऐसा नहीं करो, उनमें ये सब में विकार आएगा एक साथ, अलग अलग नहीं आएगा एक साथ। इसलिए इसलिए अनुन्य भाव है। इसलिए अनुन्य भाव है, अनुन्य भाव है, अन्य रूप नहीं होगा, अन्न का विच्छेद करेगा। दो शब्द पकड़ना, अन्य रूप नहीं होगा, अन्य का विच्छेद करेगा, अन्य अपो, अन्य अपो व्यतिक्रम कर दो तो सर्वात्मक हो जाएगा। तो अन्य का, अन्य अपो का व्यतिक्रम करोगे यानी अत्यंत अभाव का, इतरेतर अभाव का अभाव कर दोगे तो सर्वात्मक हो जाएगा। अन्य अपो स्वीकार कीजिए, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव कराइए आप, ये कह रहे हैं। एक रूट ना बनाइए, अभाव कराइए, ये बोलिए आप। अरे वो पढ़ाते समय वो ये कह देते कि एक रूप हो जाएगा, एक रूप हो जाएगा, इसलिए एक द्रव्य दूत। तुम घड़ी देखे बिना प्रश्न करते हो, डमुरंता डमुस्तनवरी सुसावड़ा घड़ी 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 देखे बिना तुम प्रश्न करोगे ना, तुम्हारे समय पूरे नहीं हो पाएंगे समाधान।